रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। माँ प्लीज आप परेशान मत होइए, रोना बंद कीजिए। जो भी फैसला होगा हम सब मिलजुल के ले लेंगे। हाँ रूपा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कोई है भैया? हमारा बेटा आ गया। आजा बेटा, अंदर आजा। आखिर हमारी ममता तुम्हें खींची लाई। हाँ रूपा, अपनों से कोई ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। आखिर तुम्हारा खून है, वापस तो आना ही था। तुम ऐसे ही गंगा जमुना बहा रही थी। आजा बेटा, अंदर आजा। कोई कमी छोड़ी हमने आपके लालन पालन में? नहीं ना, तो फिर ये क्या है? पापा प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, वैसे एक मौका दीजिए हमें। बोलिए। ये ले रॉकी, तेरी पहली शर्त हमने पूरी कर दी। हमारे हिस्से की सारी जायदाद अब तेरे नाम है, लेकिन यहां से जाने से पहले ये तस्वीर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। उम्मीद है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख ले रॉकी, सारे कागज सही है ना इसमें? हमको तो बढ़िया लग रहा है, तुम भी देख लो। ऐसा तू क्यों कर रहा है ध्रुव? किसने बोला तुझे ऐसा करने के लिए? मां, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। वैसे भी इस जायदाद पे हमारा हक कभी भी नहीं था, रॉकी का था। हमारे लिए सिर्फ आप सबका प्यार और आप सबका साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। पापा, ये सारे पेपर्स रॉकी के नाम पे रजिस्टर करवा दीजिएगा। और अब तेरी दूसरी शर्त, तू यही चाहता था ना कि हम और धानी इस घर को छोड़कर चले जाए। अब वो दूसरी शर्त पूरी कर देंगे हम। एक झटके में पराया कर दिया हमको। समझा इसे धानी बिटिया, समझा। एक जज्बात के रो में आके कुछ भी कर देता है। अरे तू श्रवण पुत्र है का? दिमाग खराब है?
पापा शांत हो जाए प्लीज। आइए यहाँ पर आइए, आराम से बैठिए प्लीज। पापा प्लीज संभालिए, बीपी हाई हो जाएगा आपका वरना। धनी जाकर प्लीज पानी ले आओ। पापा आप हमें गलत समझ रहे हैं, अगर हम इस घर के या आपके बेटे नहीं होते तो आपकी परवरिश का मान नहीं रखते हम। याद है पापा, आपने हमें सिखाया था कि एक इंसान के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है, तो हम ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। ये सब आपके लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए, भैया के लिए और इस घर में आने वाले उस छोटे से मेहमान के लिए कर रहे हैं। और आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि हम माँ की आंखों में आंसू जरा सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा। ध्रुव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, हमने जो फैसला लिया है बिल्कुल सोच समझ कर लिया है और इस वक्त ये करना बहुत जरूरी है। आप बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारी गैर मौजूदगी में रॉकी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि उसकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाए और दीदी के चंगुल से मुक्त हो जाए। आइए हमारे साथ पापा। पापा आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। लेकिन बेटा प्लीज आज मत रोकिएगा। हम जानते हैं कि आप अपनी कसम देकर हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज ऐसा मत करिएगा वरना हम यहां से जा नहीं पाएंगे। प्लीज आपको याद है पापा, एक बार इसी परिवार की खुशी के लिए आप सबके खिलाफ जाकर हमें इस घर में लाए थे और आज हम आप सबके खिलाफ जा रहे हैं ताकि ये परिवार खुश रह सके। आज हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे दूर जा रहे हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहो। माँ ने एक बार भी हमें मुड़कर नहीं देखा और ना ही हमें रोका। माँ के बारे में ऐसे नहीं सोचते ध्रुव जी, तो अपने बच्चों में से सिर्फ किसी एक को नहीं चुन सकते और उनके इसी फैसले को आसान करने के लिए तो हम घर छोड़कर जा रहे हैं। और आप देखिएगा हम परिवार से दूर नहीं होंगे। अब चलिए हमारे साथ।
ध्रुव जी उस तरफ नहीं, वहां। क्यों? वहां क्या है? वहां क्या है? देखिए, रॉकी की शर्त ये थी कि हम घर छोड़कर चले जाएं, लेकिन परिवार को छोड़ने के लिए तो नहीं कहा था, और हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये घर की दहलीज है, ये घर के हिस्से में नहीं आता, सरकारी जमीन है, यहाँ पर कोई भी रह सकता है, और कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ रहने का हक है। और ये रहा परमिशन लेटर। सोचा तक नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं आया ये तो। थैंक यू सो मच। दरअसल वो क्या है ना, आपकी बीवी आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो ऐसे आइडियाज उसी के दिमाग में आ जाते हैं। चले ये सब क्या है? क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है तुम दोनों ने? देखो, तुम दोनों यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? ये पांडे निवास का हिस्सा नहीं है, और सरकार ने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी है, तो आप कौन होती है हमें रोकने वाली? हम यहीं पर रहेंगे और आप पर नजर रखेंगे, ताकि आपके घटिया इरादों में आप नाकामयाब रहें। चलिए। जल्दी में हो? रॉकी कहाँ है? रॉकी तो नहाने गया है। अच्छा, मतलब उसे किसी के भी चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देगी? बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। रुको, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। बहुत जल्दी है जाने की क्या? और अगर आवाज पहुंच भी गई तो वॉशरूम से आने में 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। यही सोच रही है ना कि आखिर हो क्या रहा है? कोई बात नहीं, आपकी छोटी बहन होने के नाते आपको इतना तो हम समझा ही सकते हैं। दरअसल बात यह है कि आपके साथ लड़ लड़के आपसे 2 कदम आगे रहने की आदत पड़ चुकी है। कल ध्रुव जी के सोने के बाद हम अपने परिवार वालों से मिले और उनके साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। जी हाँ, ये सब कुछ हमारा ही प्लान है। हम ही ने सबसे कहा कि हम घर छोड़कर जरूर जाएंगे, लेकिन घर से दूर नहीं जाएंगे, और इसीलिए किसी ने हमें ज्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं की। वैसे ध्रुव जी को इस बारे में अब तक पता नहीं है, क्योंकि वो परिवार को लेकर परेशान थे,
शायद हमारा साथ नहीं देते, लेकिन उन्हें भी बता देंगे। धानी, तुम क्यों इसे सफाई दे रही हो? हैं? क्यों समय बर्बाद कर रही हो? 10-15 मिनट बहुत होते हैं। एक काम करते हैं, इसके हाथ पैर बांध के ना इसको गंगा जी में डुबो देते हैं। कहब तो लग जाए थक से, अफवाह कर जाए झट से। अरे नहीं बुआ जी, इसके लिए गंगा जी को गंदा करने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, इसके हाथ पांव बांधते हैं और इसे कहीं दफना करा जाते हैं, है ना? रहने दीजिए बहना, रहने दीजिए, रहने दीजिए। वो भोलेनाथ जी है ना, जेकरा ऊपर हमें 100% भरोसा है, वो करेंगे। क्या है क्या पिद्दी का, पिद्दी का शोरबा। एड़ी चोटी का जोर लगा दो दी, पर हमारे परिवार को तोड़ नहीं पाओगी, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा, भोलेनाथ हमारे साथ है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। गया तुम सबका? अब हमारी बात सुनो, ये परिवार तो टूटेगा और आज ही टूटेगा। जल्दी जाओ यहाँ से, अगर उसने ऊपर जाकर रॉकी को कुछ बता दिया तो, कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं। आप लोग सब अगले खेल के लिए तैयार है ना? मिलते हैं। रॉकी, रॉकी जल्दी नीचे आओ। रॉकी लेडीज फर्स्ट। अरे अतिक्रमण है ये, हम कभी जिंदगी में गैर कानूनी काम नहीं किया है, ऐसा नहीं चलेगा। सुन रहा है ध्रुव, ये क्या कर रहा है? कहीं और जाकर है? क्यों पापा, क्यों नहीं रह सकते? हमें यहाँ पर रहने की परमिशन है, ये पांडे निवास का एरिया नहीं है, तो हम रह सकते हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं इसे? रूपा जी, हम गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, देखा बेटा, तुमने कहा था ना कि इन लोगों को घर से बाहर निकाल दो, हमने निकाल दिया, लेकिन अब तो कह रहा है कि वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां से भी हम उन्हें निकाल दें। अब वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो कानूनी जगह है, कानूनी तौर पे वो वहां रह रहे हैं। रॉकी, तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, हम बता रहे हैं ये सब उनका नाटक है। सृष्टि, जरा इनकी हालत तो देखो, फिर बताओ ये कैसे नाटक कर सकते हैं? तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? हम जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, हम घर के अंदर आ गए और ये लोग घर से बाहर चले गए, और कुछ दिन में ये जायदाद भी हमारे नाम पे होगी। तुम रुको, पांडे जी कल जाके अदालत से इस पर मोहर लगवा कर ले आइएगा, फिर ये दोनों घर से अलग हो जाएंगे कानूनन। ये लीजिए, लगवा लाइएगा पांडे जी, लगवा लाइएगा मोहर, फिर सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। फिर भी हम कहता हूं, हुई है वही जो राम रची राखा। आई आई बहना, आई। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
एक बात बताओ हमें दानी, ये जो खेल खेल रही हो तुम हमारे परिवार वालों के साथ मिलकर, इसमें हम शामिल क्यों नहीं है? क्या कहा आपने? परिवार? कौन? आपका परिवार? अरे ये तो हमारा परिवार है। हम अच्छे से जानते कि हमारे माँ और पापा हमें इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते खुद से, और तुम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी कभी। और एक ही रात में घर के बगल वाले प्लॉट में ये टेंट बनवाना, और वो परमिशन भी पापा की वजह से मिली है। स्मार्ट तो आप हमेशा से ही थे। रॉकी, अभी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखना आगे जाकर तुम अपने इस फैसले पे बहुत पछताओगे। क्यों? ध्रुव और दानी को बाहर टेंट में रहने की इजाजत तो तुमने दे दी, लेकिन देखना कैसे वो वापस दहलीज के इस पार आते हैं, और तुम ना उन्हें रोक नहीं पाओगी। हम जानते हैं उन्हें, वो बहुत शातिर है, इसे अपने बातों से सबको फंसाएंगे, सबके सामने गिड़गिड़ाएंगे, अपनी बुरी हालत दिखाएंगे कि तुम और घर वाले मजबूर हो जाओगे उनको वापस यहाँ पे बुलाने के लिए।